आज तक ने 4 जून को आए नीट परीक्षा के नतीजों के बाद लगे धांधली के आरोपों पर छात्रों के हक में लगातार दस्तक देते हुए खबरदार किया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने अपनी पहली गलती सुधारने का काम शुरू किया है। एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस नंबर से जुड़े विवाद में अब प्रस्ताव दिया गया है। कहा गया है कि ग्रेस नंबर जिन छात्रों को नीट परीक्षा में दिया गया उनकी दोबारा परीक्षा होगी। 23 जून की तारीख बताई गई है जब ग्रेस नंबर पाने वाले परीक्षा दे पाएंगे। इनकी संख्या 1563 एनटीए की तरफ से बताई जाती है, जिनके पास दो विकल्प होंगे, या तो ये दोबारा परीक्षा दें या फिर ग्रेस नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क के जारी होगा। 30 जून तक फिर नया नतीजा आ सकता है और उसके बाद काउंसलिंग जुलाई में होगी। ये पहला मौका है जब एनटीए ने एक सुधार का कदम उठाया है, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं जिनके आधार पर धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर किए हुए हैं। आज के फैसले के बाद वकील, छात्र और कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग क्या कहते हैं, पहले वो सुनाते हैं। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने यह बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लेरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपियर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ, ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कितनी बड़ी हार है हम सबकी, किसी की जीत नहीं हुई है आज, ये सबकी हार हो गई है। वो बॉडी जो इतने बड़े बड़े एग्जाम कराता है, वो आके पहली हियरिंग के अंदर एग्री कर जाता है कि मैंने ये स्टेप गलत लिया था, और 24 घंटे पहले वो स्ट्रांगली इस चीज के लिए पब्लिक डोमेन में कह रहा था कि हमने सब सही किया है। तो क्या हर मुद्दे के लिए हमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ेगा? ऐसी कितनी डिस्परेंसीज है उनके अंदर, हमें अभी भी एक जांच कमेटी की मांग करते हैं, जो अब तो जांच बनती है इनकी, क्योंकि आके पहली बार में एग्री करते हैं कि हमने गलत किया था। ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ही पूरा एब्सर्ड है, पहली हियरिंग के अंदर ये चीज प्रूव हो जाती है। दूसरा वो पेपर लीक वाला मुद्दा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ओपन रहेगा और उस पर हम देखेंगे। कल को इवन काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो जाती है, तो भी हमारे पास सारी शक्तियां हैं चीजों को सही करने की। इनफैक्ट जो अभी एनटीए ने सोल्यूशन दिया है वो भी राइट टू क्वालिटी का वायलेशन है। अभी भी जो सोल्यूशन आया है 1563 बच्चे या तो री एग्जाम दे दें, या तो ये बच्चे अपने ओरिजिनल नंबर बिना ग्रेस वाले नंबर के साथ खुश रह जाएं, फिर वो री एग्जाम 23 जून को कराएंगे, उसका रिजल्ट 30 जून के पहले निकाल देंगे, फिर से रैंक शफल करेंगे काउंसिल। उस बच्चे का क्या जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसने तो रेज ही नहीं किया, उसका समय नुकसान हुआ कि नहीं, और कहाँ पता है बच्चों को? देश में कितने बच्चों को पता होगा? आप एक पोल करा लीजिए कि आपको पता है कि आपका समय का नुकसान होता है आपको माननीय हाईकोर्ट। बच्चे एक्सेप्ट करते हैं कि सेंटर में समय का नुकसान तो होता ही, 10-15 मिनट तो नॉर्मल है, वो तैयारी इस हिसाब से करके जाते हैं। उनको नहीं पता है कि एग्जाम खत्म हुआ, उसका साइकिल उठा के भैया आप चलो हाईकोर्ट में अपील करो। तो ये जजमेंट, मतलब इस चीज में अभी भी चीजें बाकी हैं। मेरे ख्याल से आगे हियरिंग इसीलिए लगी है, तो अभी भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिल रहा है जो लॉयर हायर कर सकते थे, जिनके पास पैसा था, जो हाईकोर्ट पहुंच सकते थे। उस गांव के बच्चे का क्या, जिसके पास लॉयर हायर नहीं, जिसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जो गिरी जुरी हालत में किसी तरह से 4 पैसे बटोर के मेडिकल एग्जाम की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहता है जीवन में, उसे आप इन सब में फंसाओगे कि तुम यार हाईकोर्ट जाओ, ये करो वो करो। तो गड़बड़ ये हुई है कि एनटीए जिस दिशा में जा रहा था वही दिशा चलती जा रही है। उन्होंने 1563 का नंबर दिया कि हाँ इतने बच्चे को ग्रेस दिया है, और उन्होंने लीक का बिल्कुल मामला ही छुपा दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों पे ही हमारा कानून वो दिया जजमेंट की उनका री एग्जाम होगा और बाकी बच्चों को नहीं दिया। असली प्रॉब्लम तो सर पेपर लीक की है ना,
असली प्रॉब्लम तो पेपर लीक की है। यदि मान लीजिए कि अब पेपर लीक की जो सुनवाई है वो 8 तारीख की है और काउंसलिंग की डेट आ चुकी है 6 तारीख से चालू हो जाएगी, तो सर यदि सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट यदि स्टूडेंट्स के हित में भी देता है तो वो अगर हमारे जो है कि एक समय सीमा से यदि लेट देता है तो समय से देरी में दिया हुआ न्याय फिर भी न्याय नहीं हुआ यदि समय से नहीं मिला तो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हमारी गवर्नमेंट कब समझेगी? प्राइम मिनिस्टर करते परीक्षा पे चर्चा, यहाँ पे नतीजे पे चर्चा कब होने वाली है? 500 रैंक ऊपर जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, सब वहीं के वहीं रहेंगे। इनने जानबूझ के 1563 पे फोकस करने की कोशिश करी है कि लीक से ध्यान हटे। सारे प्रूफ पड़े हुए हैं मीडिया में, सारे प्रूफ है। गुजरात में आप देख लो, लोग खुद जो पकड़े गए हैं वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि हमने चीटिंग करवाई थी, हमने लीक करवाया था पेपर, तब भी एनटीए ध्यान नहीं दे रहा है। 1563 बच्चों से सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये पेपर लीक को छुपाया जा रहा है सर। ये इस 1563 बच्चों के, जिस बच्चे की 15,000 रैंक आ रही है उसकी पिछले साल आ रही थी, उसकी इस साल 60,000 रैंक है। एनटीए की बात में कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है कि केवल 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क दिया गया है? क्या मैं तो आज कह रही हूँ, मैं एक आम जनता हूँ, क्या मेरी बात नहीं मानी जाएगी? उसमें 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, मैं तो ये कहती हूँ। इस बार जो है 645-652 पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 27,672 रैंक है 652 मार्क्स पे, वो कैसे कॉलेज मिल, यानी कि 10 नंबर वेरी करने का या 15 नंबर हम लोग सोच बैठे थे कि ठीक है पेपर 19-20 है तो हो सकता है 10 से 15 नंबर जो है वेरी कर सकती है कटाफ, लेकिन इतना कैसे 40 से 45 नंबर कैसे वेरी कर सकती है कटाफ? स्टार्टिंग से ऐसी न्यूज आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है, पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर पटना पुलिस ने कहा, जो उनको जले पेपर्स मिले थे कुछ, उस पर पटना पुलिस ने कहा एनटीए से मांगा कि आप हमें पेपर्स दे दीजिए ताकि हम मिलान कर सकें। एक महीने में ऐसा कोई मिलान अभी हुआ नहीं है। मैम जो तैयारी करते हैं उनको इम्पोर्टेंस पता होती है, उनको तरीका पता होता है, पेरेंट्स को समझा पाना मतलब ट्रस्ट इशू आता है कि हाँ हम कर लेंगे। जैसे कि कोई मेहनत करता है 4 साल 2 साल 3 साल 1 साल कोई भी मेहनत करता है तो ये सोचता है कि हो जाएगा। 50-52 मार्क्स का इन्फॉर्मेशन मतलब 2 साल में कैसे हो जा रहा है? मतलब बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है और 20,000 से 25,000 बच्चे चीटिंग के थ्रू इंटर हुए हैं। आप भावुक हो रहे हैं, आप दुखी हैं इससे? क्योंकि मेरी बहन का मतलब खुद मतलब 634 मार्क आया हुआ है, ठीक है, और इस साल वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही। मतलब कितना मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं और मतलब 3-4 साल लग जाता है उनको प्रिपरेशन करने में, मतलब रूम से निकलते नहीं है, हाँ पढ़ते रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं और सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब 634, 620, 630 पे पहले सिलेक्शन हो जाता था, मतलब इस बार ऐसा क्या हो गया कि मतलब बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं?